डबल फर्टिलाइजेशन मेल गैमेटोफाइट में दो मेल गैमेट्स होते हैं। एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज करता है। तो यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एस जी नवासीन ने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज लिलियशियस प्लांट लिलियम और फ्रिटिलेरिया में की। जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे डिपॉजिट होता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है और बनाता है पोलन ट्यूब। इस पोलन ट्यूब में है दो मेल गैमेट्स और ट्यूब न्यूक्लियस। पोलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल ओवरी चैम्बर से होके ओव्यूल में एंट्री करता है। सिनर्जिड केमिकल्स बनाता है जो पोलन ट्यूब के ग्रोथ को गाइड करता है। पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में तीन प्रकार से हो सकती है। यूजुअली पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करता है, इसे कहते हैं पोरोगैमी। तो पोरोगैमी में पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंट्री करता है। कुछ केसेस में पोलन ट्यूब चलाजा से एंटर करता है, तो इसे कहते हैं चलाजोगैमी। सो व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू चलाजा इट इज कॉल्ड चलाजोगैमी। कुछ प्लांट्स में पोलन ट्यूब इंटेगमेंट से एंटर करता है, इसे कहते हैं मीजोगैमी। सो व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स थ्रू इंटेगमेंट इट इज कॉल्ड मीजोगैमी। फाइनली पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एम्ब्रियो सैक तक पहुंचता है। नॉन मोटाइल मेल गैमेट को पोलन ट्यूब कैरी करता है, इसलिए इसे सिफनोगैमी कहते हैं। पोलन ट्यूब एक सिनर्जिड में पेनिट्रेट होके वाटरी कंटेंट एब्जॉर्ब करता है और रप्चर हो जाता है। पोलन ट्यूब रप्चर होने के कारण अपना कंटेंट, जिसमें दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स होते हैं, रिलीज करता है। अब एक हैप्लॉइड मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करता है, जिसे सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी से बनता है डिप्लॉइड जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस को फ्यूज करता है, जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि मेल गैमेट हैप्लॉइड है, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड है, तो जब फ्यूजन होगा तब ट्रिप्लॉइड पेन बनेगा। पेन से बनता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो इवेंट्स हैं जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं। सिनगैमी से जाइगोट बनता है और जाइगोट से एम्ब्रियो। ट्रिपल फ्यूजन से पेन बनता है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और पेन से ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। सिग्निफिकेंस: डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर है। ये एंश्योर करता है यदि एग फर्टिलाइज होता है तो ही सीड बनेगा। ट्रिप्लॉइड पेन से न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म बनता है। डबल फर्टिलाइजेशन रिस्टोर करता है डिप्लॉइड कंडीशन बाय सिनगैमी, और ये अवॉइड करता है पॉली एम्ब्रियोनी।